आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास विद्या क्लासेस में। आज है 20 मई। 20 मई करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ। बेटा देखिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? उड़ने वाली छिपकली आती है डायनासोर के अंतर्गत, तो मिजोरम में आपकी प्रजाति मिली है। किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया है? तो लीबिया ने फाथी जो प्रधानमंत्री थी उनको निष्कासित कर दिया है। कहाँ 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है आपका, उद्घाटन किया है पेंशन अदालत का। कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा? तो सारी मेज़बानी अब लगभग आपका भारत ही कर रहा है, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। लुडोविट ओडोर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो केयर टेकर प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया के। कौन आपके? लुडोविट ओडोर। आरबीआई ने कितनी एनबीसी का लाइसेंस रद्द किया है? तो 7 कंपनियां हैं जिनका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया, और मज़े की बात यह है कि 2000 का नोट भी बंद कर दिया। किसे पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भावेश गुप्ता जी को बनाया गया है सीईओ। किसका? आपके पेटीएम का। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? 17 मई को विश्व दूरसंचार समाज दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में ये कार्य आपका किया गया है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, जो आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किसे CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रवनीत कौर जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया CCI का। ये थी आज की आपकी क्लास। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या क्लास से भेजना हो, जहाँ हमारे ऑफिशियल ऐप से मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।